अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हमारे साथ हैं अभी शाकिब भाई। भाईसन कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ अरे क्या बताएं, ये हमारे चाचा का पूरा वो है, भैंस वगैरह बनती है इधर। देखो गाइस, शाकिब भाई कुछ बता रहे हैं, आप हम इनसे आपको जानकारी कुछ देना चाहते हैं। अभी शाकिब भाई नीचे की तरफ चल रहे हैं। चलो भाई शाकिब भाई, आप कुछ बताओ इधर क्या होता है, आप बताओ, अभी एक्सप्लेन करके दिखाओ। जमीन है यहाँ पे भैंस भाई, ये साकी भाई की चाचा की जमीनें हैं जो कि इधर भाई भैंस पालने के काम आती है। और साकी भाई इधर और क्या क्या होता है, आप कुछ और भी करते हो इधर, कुछ पेड़ और लगा के रखे हो इधर? हाँ, ये नारियल का छोटा छोटा पेड़ है अभी। हाँ भाई, नारियल का तो पेड़ बड़ा नहीं है अभी। जी साकी भाई, टाइम लगेगा जी बड़ा होने में जी। और बनाना का भी पेड़ लगाए और पपीता का भी पेड़ लगा हुआ है, क्यों साकिब भाई? तो हमारे साकिब भाई के चाचा की ये सब जमीनें हैं जो कि आप एक बार खुद देख लो भाई, ये कोई कहने की बात नहीं है भाई, आप खुद देख लो, सब आपके सामने है। भैंस भी है अभी साकिब भाई दिखाने वाले हैं। चलो साकिब भाई के साथ दिखते हैं भाई, और आपको वीडियो में बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और साकिब भाई के साथ हम तो अभी हैं, आपको भी दिखाएंगे। और जो इधर का लुक भाई, भाई उधर वो साकिब भाई की चाचा की भैंस है, इन्हें पानी वानी इधर से लाते हैं इनके लिए। अच्छा भाई, आ जाओ दिखाते हैं तुमको। जी साकिब भाई के साथ हम अभी साकिब भाई के सामने से फुटेज लेने की कोशिश करते हैं भाई। साकिब भाई इधर हैं, इनका जो भाई चाचा का जो बिजनेस है ना भाई, वो एकदम लिटरली कमाल का है भाई, क्योंकि इन्होंने जो इतनी कम उम्र में नाम करा भैंस पाल के, वो दूसरा कोई कर नहीं सकता। फिर पहली बात, और साकिब भाई क्या हाल चाल, बढ़िया? जी बढ़िया जी। तो आपकी चाचा की क्या हो गई, अभी चाचा आपके हैं या फिर क्या हो गया? अभी घर पे गए। अच्छा, इनकी चाचा जी अभी घर पे गए हुए हैं, और शाम के टाइम आएंगे 4-5 बजे, तो दूध निकाल लेंगे भैंस का। अच्छा, अभी दूध निकालेगी भैंस। अच्छा। और जो पानी यूज करते हैं भैंस के लिए वो इधर से करते हैं। अच्छा भैया, ये भाई एक बार आप खुद देख लो भाई, जो तालाब है ना इनके चाचा जी का, भैंस भी शायद इधर ही कहीं होगी आई थिंक। हमारे पड़ोसी है, ये अपना देखो भैंस को इधर में ही निकाल भाई। लुक एट दिस गाइस, आप देख लो, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आपके सामने ये मंजर हो तो आप क्यों नहीं यकीन करेंगे? साकिब भाई आप बताइए। हमारा पड़ोसी है जी, इनका पड़ोसी है, और भैंस अभी नहला रहे हैं फिलहाल, तो आप देख लो, एक बार जूम करके दिखा दे रहे पूरा भाई, एकदम जो भाई पानी है ना एकदम भैंस के काम के लिए ही आता है, क्योंकि इन्होंने जो अभी पूरी तैयारी करके रखी भैंस पालने के लिए, वो कोई मामूली बात नहीं। इन्होंने काफ़ी कुछ खर्चा भी किया है। कितना तक खर्चा किया साकिब भाई, कितनी तक आपने ये ताला वाला बनाने में कितनी तक खर्च कर दिया आपने? 5 लाख। चाचा को ये मालूम है जी? जी इनको तो अभी मालूम नहीं, क्योंकि ये अभी नए नए आए, और इनको ज़्यादा कुछ बिजनेस के बारे में अभी मालूम नहीं, क्योंकि ये अभी अभी जी अभी अभी इन्होंने इस दुनिया में कदम रखा है, जो कि कोई भाई देखो कोई आसान काम नहीं भाई, इतना भैंस पालना, इतना बड़ा भाई नदी खुदवाना भैंस के लिए, और फिर एक मजदूर रखना है। देख लो भाई, आई थिंक ये मजदूर नहीं है, इनका पड़ोसी है, जो कि अभी भैंस नहलाने के लिए, आप पानी देख लो गाइस, पानी देख लो, कमर बराबर पानी है इनके, और बाकी जो पेड़ है इधर नारियल की लगी हुई है, और आप एक बार व्यू देख लो। साकिब भाई आगे चलें? चलो चलो, और दिखाने के लिए कुछ आपको दिखाएंगे। कैमरा भाई, कैमरा मैन थोड़ा इधर दिखा दो, एक बार थोड़ा इधर दिखाओ। साकिब भाई इधर आइए आप थोड़ा। तो साकिब भाई ये क्या चीज़ है, इसे सामने से दिखाओ, कैमरा मैन दोनों बात करते हुए दिखाओ, नहीं आवाज आएगा, थोड़ा इधर आओ, इधर से रखो ना थोड़ा पास। ये जब बारिश आती है ना, तो भैंस को उसके नीचे बांध देते हैं सेफ्टी के लिए। अच्छा, इसमें बारिश नहीं जाता? हाँ नहीं जाएगा। गाइस देख लो इनका भाई जो तरीका है भाई, एक मकान जैसा इन्होंने क्रिएट किया है, और
भाई इसमें जो भैंस बांध देती है वो भैंस भीगती नहीं है, सही बात तो ये है क्यों साकिब भाई? ये तो साकिब भाई इसमें कितनी भैंसें आ जाती हैं फिलहाल? तो इसमें छः भैंस आ जाती है। छः भैंस आ जाती भाई, देखने से नहीं, कैमरा में एक बार दिखाओ भाई, लगता नहीं भाई। आओ एक बार अंदर से देखते हैं भाई कैसा क्या सीन है इधर। अंदर से कम छः भैंसें आ जाती हैं भाई, दो एलसीडी लगी हुई है, कहने की बात नहीं, खुद आप देख भी सकते हो भाई। इधर लाओ कैमरा मैन, थोड़ा मैं दिखा दूँ, साकिब भाई इधर है। और इनका जो भैंस का तरीका भाई रखने का वो देख लो एक बार, क्यों साकिब भाई? भाई इधर देख लो, इधर भैंस बांधी जाती, इधर बाकी सामान भी रख देते कुछ भी इधर है साकिब भाई, रख देते घास वास का। अच्छा भाई, तो इधर घास वास की जैसे बोरियां होती है उधर इस पे रख देते हैं, बाद में भैंस को खिलाते सुबह सुबह उठ के। और ये सब जो बना है भाई, मकान जो बना है, अब लिटरली आप देख लो भाई, नारियल के पूरी पत्तियों से बनी हुई है, सबके सब वही चीज़ें यूज हुई हैं। एक देखने का भाई जो लुक है ना, एकदम क्या ही बताएं भाई, एकदम लेटेस्ट दिख रहा है, क्या बताएं आपको। देख लो, अभी तो हम बाहर निकलने वाले, चलो गाइस बाहर निकलते हैं फटाफट से, थोड़ा और दिखा देते हैं आपको, हरियाली भी दिखा देते हैं। देख लेना हमारा शोरूम भाई, हमारे साथ तो ये सब बंदे लोग हैं और हमारे साकिब भाई है, मैन इनके चाचा की ज़मीनें हैं जो कुछ इधर उगी हुई हैं। तो उधर गाइस, उधर क्या हो रहा है? नारियल भुजाई हो भाई उधर, भाई नारियल भुजी जा रही है। और साकिब भाई, भाई साकिब भाई के हम साथ, वैसे कोई डरने की बात नहीं है फिलहाल। तो इधर आग वाग बार के भाई नारियल भूजी जा रही है फिलहाल, तो देखते हैं क्या होता है। सामने आ जाओ साकिब भाई। तो साकिब भाई इधर जो आपका क्लीनिंग चल रहा है, आप इधर आपके चाचा कुछ करवाने वाले हैं क्या, बनवाने वाले हैं क्या, करवाने वाले बताइए। नहीं नहीं, ये क्या है ना, ऊपर से पेड़ से गिरता है। अच्छा भाई देख लो यार, बेकार लगता है नीचे, देख लो साकिब भाई के चाचा तो इधर एक मजदूर भी बना के रखे हैं भाई। अच्छा तो जैसे एक गिर जाता है तो ये सब साफ करने के लिए जला देते हैं एक साथ करके, है ना, वो क्लीन हो जाता है ना फिर इधर से। अच्छा ठीक है भाई, आप देख ही सकते हो, ज्यादा उधर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि आप एक बार लुक देख लो भाई, एकदम भाई खतरनाक लुक है। उधर भी आग जला दिया गया भाई, देख लो एक बार, उसमें भी नारियल जलाई जा रही है, मतलब भूजी जा रही है। बॉयल करने के बाद जो खाने का मजा है भाई, एकदम खतरनाक है। सामने है हमारे साकिब भाई, और साकिब भाई बाहर चलते हैं, अभी आपके चचा की ज़मीनें तो देख ही ली हमने, बाहर चलो, बाहर चलते हैं गाइस। ठीक है भाई, अभी हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हमारे साकिब भाई इधर हैं। साकिब भाई सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। हाँ, इस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, बाय।